हेलो दोस्तों, आज हम दूसरा टाइप के एलईडी बल्ब बनाना सीखेंगे। ये देखिए, ये एलईडी बल्ब है जिसमें रेडीमेड किट लगा हुआ है। ये इसका आईसी है और इसका रेक्टिफायर है। इसमें प्रॉब्लम यह है, इसको जो है बिजली देने पर ये जल नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। चेक करते हैं, तो यहाँ जो दो टर्मिनल है यहाँ पर एसी वोल्टेज आएंगे। तो हम अपना मल्टीमीटर को एसी रेंज पर सेट करेंगे, 750 वोल्ट पर। तो मेरा मल्टीमीटर सेट है पहले से। हाँ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब मेरा उधर से सप्लाई किट में जा रहा है, लेकिन किट में कुछ प्रॉब्लम है कहीं पर, उसको चेक करता हूँ। तो ये किट चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि किट का एक प्रोब, मल्टीमीटर का एक प्रोब एक टर्मिनल पर रखते हैं सप्लाई टर्मिनल पर, दूसरे प्रोब को जो है प्रत्येक एलईडी बल्ब पर बारी बारी से रखते हैं। देखिए, इस पे रखें, नहीं जल रहा है, और ऐसे इधर भी रखेंगे, नहीं जल रहा है। देखिए, इसको एसी वोल्ट से हटा के डीसी सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ रेक्टिफायर के बाद डीसी लगा रहता है। ये रेक्टिफाइड कर इधर डीसी वोल्ट जाता है, तो हम डीसी पर इधर लगा के इसको चेक करेंगे। तो एक टर्मिनल इस पे रखेंगे, दूसरा वाला एलईडी बल्ब प्रत्येक एलईडी बल्ब पे घुमाते जाएंगे। देखिए, अभी मतलब इतना एलईडी बल्ब मेरा सही है जो जल रहा है। अगला पर ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ भी सही है। देखिए, अभी यहाँ से इधर जलने लगा है, यानी ये प्रॉब्लम इस एलईडी बल्ब में है। इसमें देखिए, ये वाला जो प्रॉपर एलईडी बल्ब है, ये वाला एसी में प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करते हैं। हाँ, तो दोस्तों देखिए, ये एलईडी बल्ब को मैंने तोड़ दिया है। अब इसके टर्मिनल को सोल्ड करके शॉर्ट कर देंगे। ये देखिए, इसका दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो गया है। अब इसको सप्लाई देके चेक करेंगे। देखिए, एलईडी बल्ब चालू हो गया है। तो इस तरह के बल्ब को हम इस तरीके से चेक करके आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड संबंधित, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं, रिप्लाई हम लोग देंगे।